इस क्वेश्चन में आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, यहां पे इस क्वेश्चन में एक कॉलम में फिनोटाइप दिया गया है, दूसरे कॉलम में उस फिनोटाइप की नंबर्स दी गई है और उसके क्लासेस दिए गए हैं कि कितने पेरेंटल टाइप के फिनोटाइप बनेंगे, कितने रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप बनेंगे। जैसे यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये जो फिनोटाइप दिया गया है इसमें प्लस 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 फिनोटाइप है। प्लस मतलब डोमिनेंट एलील होता है, जो भी डोमिनेंट एलील होता है उसको हम लोग प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी भी कह सकते हो इसे, ठीक है। लेकिन प्लस के साइन में क्वेश्चन आता है तो उसमें कंफ्यूज होना नहीं है हमको। तो यहाँ पे प्लस 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 के साइन में दिया गया है क्वेश्चन, और यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी दिया गया है, यानी दिस इज द रिसेसिव पैरेंट पैरेंटल फिनोटाइप एंड दिस इज द डोमिनेंट पैरेंटल फिनोटाइप। तो इनकी पैरेंटल फिनोटाइप की संख्या 330 प्लस 320 दिया गया है, रिसेसिव की संख्या 320 दिया गया है, डोमिनेंट की संख्या कितनी दी गई है 330 दिया गया है। दीज आर द टू पैरेंटल फिनोटाइप। उसके बाद फिर कुछ इसमें क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ये सारे रिकॉम्बिनेंट बने हैं, ये सारे रिकॉम्बिनेंट का जीनोटाइप दिया गया है और इनके रिस्पेक्टिव नंबर इस तरीके से दिए गए हैं। ये सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट में बना है, ये सिंगल क्रॉस ओवर, ये सिंगल क्रॉस ओवर सेकंड में बना है, ये सिंगल क्रॉस ओवर थर्ड में बना है और ये सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट फोर्थ में बना है। यानी सिंगल क्रॉस ओवर 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 रिजल्ट जो मिले हैं हमें वो सिंगल क्रॉस ओवर से मिले हैं, 2 रिजल्ट हमें जो है वो डबल क्रॉस ओवर से मिले हैं। तो इस प्रॉब्लम को बड़ा इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस डेटा को दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप यहां पे लिखा गया है, टोटल नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल है ये कितना दिया गया है 1000, इन सारे को आप ऐड करोगे 1000 आएगा ये। एंड क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड बी, जीन बी एंड सी एंड जीन ए एंड सी, ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, ए और सी के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया। यानी कि आपको जेनेटिक मैप बनाना है, आपको रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को पहले इसके लिए निकालना पड़ेगा, है ना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड देन यू कैन फाइंड द लिंकेज मैप डिस्टेंस, यानी लिंकेज मैप आप इसका बना सकते हो। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 3 पॉइंट टेस्ट टॉस का मतलब क्या होता है मेरे को समझना पड़ेगा पहले। देखिए 3 पॉइंट टेस्ट टॉस का मतलब होता है कि द टेस्ट टॉस विच इन्वॉल्व 3 जीन्स, राइट, 3 जीन्स को इन्वॉल्व करेगा, यानी 3 पॉइंट टेस्ट टॉस में डबल क्रॉस ओवर होते हैं, दो बार क्रॉस। कैसे होएगा देखिए, जैसे यहां पे तीनों डोमिनेंट एलील दिया गया है तो हम इस साइड में हम लोग डोमिनेंट एलील लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है, ये डोमिनेंट एलील हमने लिखा। इसके नीचे जो है वो रिसेसिव एलील दिया गया है, है ना, यानी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है। ये ऊपर वाला जो आपका एलील दिया गया है, ये ऊपर का दिया गया है इस तरीके से, आप देख लीजिए, दिस इज द डोमिनेंट एलील, राइट, दिस इज द डोमिनेंट एलील, ये डोमिनेंट एलील दिया गया, दिस इज रिसेसिव एलील, राइट। सो क्रॉसिंग ओवर इज कहां कहां पे हो सकता है, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस मतलब 1, 2, 3 पॉइंट, और क्रॉसिंग ओवर होगा यहां पे, एक क्रॉसिंग ओवर आपका यहां पे बनेगा, दूसरा क्रॉसिंग ओवर आपका इस केस के बीच में बनेगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर एंड दिस इज द सेकंड क्रॉसिंग ओवर, राइट, आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो क्रॉसिंग ओवर होगा तो सिचुएशन में देखिए कि क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्या जीरो टाइप चेंज हुआ है। पहला क्रॉसिंग ये जो एक यहां पे जो फर्स्ट नंबर मैं रिप्रेजेंट किया हूं, दिस इज फर्स्ट सिंगल क्रॉसिंग ओवर एंड दिस इज सेकंड सिंगल क्रॉसिंग ओवर, राइट, ये सेकंड सिंगल क्रॉसिंग ओवर हुआ है, इसका मतलब इसमें 2 सिंगल क्रॉस ओवर हुए हैं। तो एक क्रॉस ओवर होने से, है ना, एक क्रॉस ओवर होने से क्या रिजल्ट हमको मिल सकता है। तो अगर क्रॉसिंग ओवर यहां पे होता है तो मेरे को क्या रिजल्ट मिल सकता है, और क्रॉसिंग ओवर यहां पे होता है तो मेरे को क्या रिजल्ट मिल सकता है। सपोज कीजिए, देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चंस में दिया गया है कि देखिए अगर मान लो कि क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर में होता है एक्सचेंज ऑफ जीन। तो सपोज कीजिए कि क्रॉसिंग ओवर हुआ और बी जीन चला गया यहां पे और ए जीन आ गया यहां पे, तो इसके जो, और ये वाला क्रॉसिंग ओवर अभी नहीं हुआ है, पहले मैं क्या करूंगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, सिंगल क्रॉस ओवर यहां पे एक सिंगल क्रॉस ओवर बनेगा और एक यहां पे सिंगल क्रॉस ओवर बनेगा। तो पहली पॉसिबिलिटी से जो सिंगल क्रॉस ओवर पहला बनेगा, फर्स्ट क्रॉस ओवर बनेगा, यहां से हम देखते हैं फिनोटाइप क्या आने की पॉसिबिलिटी है, फिर हम यहां से देखेंगे। तो यहां से आप देखो, अगर इस जीन को यहां पर कर दोगे तो क्या सीक्वेंस बन जाएगा, यानी क्रॉसिंग ओवर होता है तो दिस विल कम्स
एट दिस पॉइंट ए वाला यहां पे आ जाएगा और ए वाला यहां पे आएगा। मैं चौक नहीं चला रहा हूं क्योंकि बिल्कुल पिक्चर आपको क्लियर रहे, क्योंकि अभी काफी सारी चीजें आगे बताना है। तो यहां पे क्या सीक्वेंस बन जाएगा, प्लस था, अब बी ऊपर चला गया तो बी ऊपर चला गया, ठीक है, एंड देन प्लस, राइट। तो ये वाला क्या बन गया, ये वाला रिकॉम्बिनेंट जो बन गया वो क्या बन गया, प्लस बी प्लस, ये जीनोटाइप बन गया। नाउ ये प्लस नीचे आ गया है तो ये वाला क्या बन जाएगा, ये इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इस ये क्रॉसओवर अभी नहीं हो रहा है ना, अभी मैं इस क्रॉसओवर की बात कर रहा हूं। तो यहां पे सीक्वेंस क्या बन जाएगा, ए देन यहां प्लस आ जाएगा तो प्लस एंड देन सी, ए प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जो क्रॉसओवर सिंगल क्रॉसओवर हुआ है, इससे दिस एंड दिस जीनोटाइप बना है। अब देखिए तो इसकी संख्या कितनी दी गई है, प्लस बी प्लस, प्लस बी प्लस, दिस इज द फर्स्ट सिंगल क्रॉसओवर, ये सिंगल क्रॉसओवर वन एंड ये सिंगल क्रॉसओवर टू, इसकी संख्या कितनी गई है, ए प्लस सी, ए प्लस सी 66, यानी पहला क्रॉसओवर में जो दो प्रोडक्ट हमें मिले ये इसकी नंबर दी गई है 64 और 66, राइट। नाउ दूसरी पॉसिबिलिटी में हम देखते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी में अब ये जैसा है वैसा ही रहे सपोज, और ये वाला चेंजिंग हो, तो ये वाला ये बी ऊपर गया था और प्लस नीचे आया था, अभी इस बार मैं क्या कर रहा हूं, सी को ऊपर ले जा रहा हूं और प्लस को नीचे ला रहा हूं, तो फिर क्या सीक्वेंस बनेगा, प्लस प्लस एंड सी, राइट, प्लस प्लस एंड सी। तो पहला जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो क्या बनेगा, प्लस प्लस एंड सी, पहला क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट से ये बना ऊपर गया, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या नीचे आ जाएगा, तो ए बी एंड ये नीचे आ जाएगा, तो ए बी प्लस, तो ए बी एंड प्लस, यानी सिंगल सेकंड क्रॉस में बनेगा आपका ए बी प्लस एंड प्लस प्लस व्हाट, प्लस प्लस सी ऊपर जाएगा। तो इसकी संख्या कितनी दी गई है, प्लस प्लस सी की संख्या दी गई है 100 नंबर, ये देखिए प्लस प्लस सी की संख्या दी गई 100, ए बी प्लस की संख्या कितनी दी गई है, ए बी प्लस दिस इज 95, दिस इज कितना दिया गया है 95, राइट। तो चार हमारे प्रोडक्ट बने हैं 1 2 3 4, है ना, तो चार सिंगल क्रॉस दिया गया है, सिंगल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट 1, सिंगल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट 2, सिंगल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट 3, सिंगल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट 4, ठीक है, और दो डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट, डबल क्रॉस ओवर 1 एंड डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट 2। तो डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट में क्या हो गया, यानी ये दोनों क्रॉस एक ही साथ हो गया, ये तो अलग अलग मैंने क्रॉस करवाया ना, अभी मैं बोल रहा हूं ये दोनों क्रॉस एक ही साथ होगा, तो दोनों क्रॉस एक ही साथ होगा, तो ये वाला क्या कैसा चेंज हो जाएगा, ये वाला कैसा चेंज हो जाएगा, देखिए। तो अगर मान लो दोनों क्रॉस एक ही साथ हो गया, तो दोनों क्रॉस में मैंने क्या किया, पहला क्रॉस में इसको ये चेंज कर दिया, तो पहला क्रॉस में जो सीन बना है हमारा ऊपर का, ये बी ऊपर चला गया है, यानी कि ऊपर वाला हो गया है प्लस एंड ये ऊपर चला गया बी और ये ऊपर चला गया सी, प्लस बी सी, राइट एंड प्लस बी सी, और ये दोनों नीचे आ गया है, यानी कि नीचे हो गया ए और प्लस एंड प्लस, दिस इज द डबल क्रॉस ओवर। तो इसको आप बोलोगे डबल क्रॉस ओवर 1 एंड इसको बोलोगे डबल क्रॉस ओवर 2, ये डबल क्रॉस ओवर 1 प्रोडक्ट हो गया, ये डबल क्रॉस ओवर 2। तो आप देखिए इसकी संख्या दी गई है प्लस बी सी, प्लस बी सी, दिस इज डबल क्रॉस ओवर, है ना, ये 15 दिया गया है, ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस कहां दिया गया है, ए प्लस प्लस, दिस इज 10। तो डबल क्रॉस ओवर की टोटल संख्या कितनी होगी, 15 और प्लस ये 10, 25, राइट। तो ये सारे पॉसिबिलिटी एंड ये जो दोनों है, ये दोनों पैरेंटल टाइप का है, ओरिजिनल टाइप का, तो क्रॉस ओवर से जितने भी प्रोबेबिलिटी बन सकते थे वो क्वेश्चन में दिया गया था, वो मैंने सारा बना करके यहां पे दिखाया है, सिंगल क्रॉस ओवर से और डबल क्रॉस ओवर से। अब इसको सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आए, ये बनेगा क्या। अब बिल्कुल सिंपल है, सिंपल कैसे है, फर्स्ट हम लोग ए और बी के बीच के डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो ए और बी के बीच का क्रॉसिंग ओवर पहले हमको देखना पड़ेगा कि ए और बी के बीच का क्रॉसिंग ओवर कितना है। तो ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर से ये दोनों प्रोडक्ट बने हैं, राइट, दिस इज द प्रोडक्ट बना है। तो हमको क्या करना है कि चूंकि ये डबल क्रॉस है ना, तो डबल क्रॉस तो एक फिक्स रखना ही है मेरे को, और सिंगल क्रॉस में ए और बी के बीच में दिस एंड प्लस डबल क्रॉस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, ठीक है। अगर इस पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो दिस प्लस डबल क्रॉस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, देखिए सॉल्व कीजिए इसको, कैसे सॉल्व करेंगे,
ठीक है ना, कैन यू सॉल्व। तो क्या करेंगे, जैसे हम ए और बी के बीच में निकालते हैं, तो ए और बी के बीच का हमको क्रॉसिंग ओवर हमको यहां पे हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, यहां से दो रिकॉम्बिनेंट बना है। तो फार्मूला क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट दिस प्लस दिस, तो दिस कितना हो गया प्लस बी प्लस 64 प्लस व्हाट 64 प्लस दिस ए प्लस सी, ए प्लस सी 66 एंड प्लस डबल क्रॉसओवर, प्लस डबल क्रॉसओवर मतलब दोनों, क्योंकि ये डबल क्रॉसओवर का क्वेश्चन है तो ये पॉसिबिलिटी तो मेरे को साथ में रखना है, और एक बार इनके इनके बीच के डिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा, तो इनका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे। तो डबल क्रॉसओवर कितना है 10 और प्लस 15, तो प्लस 10 10 और प्लस 15 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी कितने हैं 1000, तो डिवाइडेड बाई 1000 ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100 ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये जितना परसेंट आएगा है ना, ये परसेंटेज में वैल्यू आएगा ठीक है, क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो उतना ही सेंटीमॉर्गन ए और बी के बीच का डिस्टेंस होगा। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम देखते हैं कैलकुलेट करने के बाद, कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट कीजिए, 64 प्लस 66 प्लस 10 प्लस 15, यानी 66 प्लस 64 प्लस 10 प्लस 59 25 प्लस 25 कितना आ गया, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है, 66 प्लस 64 प्लस 25 प्लस 155 डिवाइडेड बाई 1000। तो इसको डिवाइड किए तो ये आ गया, इसमें मल्टीप्लाई करना 100 से, इसको आप करोगे कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.155 है ना, 0.155 आएगा ठीक है, और इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15.5 आ जाएगा। तो ये पूरे वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे इंक्लूडिंग 100 मल्टीप्लाई ठीक है ना, ये आ गया, जैसे ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकला, आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 15.5, यानी कि अ स्मॉल ए एंड बी जीन के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो 15.5 सेंटीमॉर्गन, या अप्रोक्स इसको 15 सेंटीमॉर्गन आप कर सकते हो ठीक है, ए और बी के बीच में निकल गया। अब हम निकालते हैं दूसरा सेकंड, तो पहला ये पॉसिबिलिटी, दूसरा पॉसिबिलिटी मेरा ये है, दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए मैं निकालता हूं, तो दूसरी पॉसिबिलिटी के लिए क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है ना, इसकी संख्या प्लस इसकी संख्या प्लस डबल क्रॉस ओवर, तो डबल क्रॉस ओवर कितना 25 है, ये तो पहले मैं लिख दू, प्लस इसकी संख्या कितनी हो गई 100 है ना, तो 100 करो और प्लस 95 डिवाइडेड बाय 1000 एंड देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे राइट। तो देखिए कैसे होगा, इसकी वैल्यू कितनी आती है जरा देख लीजिए, 100 प्लस 95 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 1000 इज व्हाट डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कितना आ गया, एक मिनट फिर से देखिए इसको, 100 प्लस और 95 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 1000, तो आ गया ये 0.22, और इसमें 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, यहां से अगर 100 नहीं मल्टीप्लाई किया है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ गया 0.22, अब इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 सेंटीमॉर्गन आ गई है ना।
तो इसका मतलब बी स्मॉल बी एंड स्मॉल सी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो इसका जेनेटिक मैप अब हमारा तैयार कर गया। यही पूछा जा रहा था कि ए और बी के बीच में कितना होगा, बी और सी के बीच में कितना होगा और ए और सी के बीच में कितना हो जाएगा। तो आप इसको जेनेटिक मैप तैयार कीजिए, यहां स्मॉल ए, यहां स्मॉल बी, यहां स्मॉल सी, ठीक है। ए और बी के बीच में 15.5, सपोज मैं उसको मान लेता हूं, चलो 15.5, तो इसको 15.5 सेंटीमॉर्गन, दिस इज दिस डिस्टेंस। एंड बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, बी और सी के बीच का डिस्टेंस आपका आ गया 22 सेंटीमॉर्गन, 22 सेंटीमॉर्गन, तो 22 सेंटीमॉर्गन हो गया और 15.5 फीट, तो ए और सी के बीच का कितना हो जाएगा 22 प्लस 15.5, तो प्लस इसमें कर दो 15.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, है ना, इसमें कितना कर दोगे आप 22 प्लस 15.5 तो 37 आ जाएगा। तो दिस वैल्यू इज 37.5 राइट। सो ये हो गया आपका क्वेश्चंस को सॉल्यूशन, ये क्वेश्चंस को सॉल्यूशन हमने किया। इसमें क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस इस ट्रिक को याद करना है। पहले क्या करना है, जो सिचुएशन दिया गया है क्वेश्चंस में उसके हिसाब से देखिए वहां पे क्या पॉसिबल क्रॉस बन रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पे डबल क्रॉस, सिंगल क्रॉस करवाया, यहाँ पे भी सिंगल क्रॉस करवाया, ठीक है। और उसके बाद फिर जो भी प्रोबेबिलिटी बनी उसको यहाँ पे मैच कर दिया, उसकी नंबर कितनी दी गई है, और आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का पहले से वैल्यू जानते हो, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। उसके आधार पर हमने डिस्टेंस को निकाल दिया। तो दिस इज द 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोइंसिडेंस, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ इंटरफेरेंस के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू।